मस्जिद गमामा, जिसे मस्जिद अल गमामा भी कहा जाता है, मदीना की तारीख के कल्ब में एक खास मकाम रखती। इस काबिल जिक्र मस्जिद के बारे में एक कहानी बताता हूँ। मदीना मुनव्वरा की एक दोपहर की शदीद गर्मी में मस्जिद नबी के बाहर पैगंबर इस्लाम के पैरोकारों का एक इज्तिमा हुआ। सख्त सूरज ने ईद की नमाज के लिए जमा होने वाले अकीदतमंद बरादरी को अपनी लपेट में ले लिया। इन्होंने बारिश के लिए दुआ की क्योंकि उनकी फसलें मुरझा रही थीं और उनकी सख्त जरूरत थी। जैसे ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, उनके ऊपर का आसमान बदलने लगा। बादल जमा हो गए और हल्की हुआ के झोंके ने गर्मी से निजात दिलाई। बारिश की बूंदें गिरने लगते ही लोग हैरत से ऊपर देखने लगे। नमाज से फारिग होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात से खिताब किया। उन्होंने लोगों को बताया कि उनकी दुआ ने कबूल कर ली है और ये उसकी रहमत और बरकत की अलामत है। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को करीबी खुली जगह पर जाने की हिदायत की। जैसे ही लोग खुले आसमान के नीचे जमा हुए, बारिश बरसी, सूखी जमीन को परवरिश बख्शी। ये बड़ी खुशी और तशक्कुर का लम्हा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर, जिसे गमामा कहा जाता है, गीला हो गया, इसलिए इसका नाम मस्जिद अल गमामा, बारिश के बादलों की मस्जिद पड़ गया।